हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो जो है पूरे लूप में स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैंने इससे पहले अभी एक और वीडियो शूट करी है यूट्यूब के लिए। वो है सॉरी एक्सक्यूज माय ख़राब गला, तो वो है ये वाला मेकअप लुक जो कि मैंने किया हुआ है। इसको किए हुए देर हो गई, आई थिंक अराउंड 4-5 घंटे हो गए। मैंने इंस्टाग्राम की एक पिक्चर लेने के लिए मेकअप कर रही थी, तो मैंने तभी शूट कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेकअप लुक वाली वीडियो जाएगी या फिर इस वीडियो से पहले मेकअप लुक वाली वीडियो जाएगी, तो वो तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। बट ये बहुत प्यारा मेकअप लुक है, लाइक आप देख सकते हो इतना सटल बेस है, एकदम बहुत ही प्यारा, बहुत सटल ग्लोई ड्यूई बेस जो होता है ना, जो सबको पसंद आता है, वो वाला मेकअप लुक है। एंड मेरा पर्सनली ये फेवरेट है, क्योंकि मुझे ना ऐसे न्यूड और पिंकिश ग्लोई पीची टाइप के मेकअप लुक्स बहुत पसंद आते हैं। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने एक ही लुक में हर चीज़ का, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो मैंने शेयर कर दिया। और बाकी देखते हैं मैं आगे क्या शूट करती हूँ। और वी हैव अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ टू शेयर विद यू ऑल। मैंने सोचा था वामिक होंगे साथ में जब हम ये न्यूज़ शेयर करेंगे, बट मैं अकेली हूँ यहाँ पे एंड मैं ही पोस्ट कर रही हूँ वीडियोस, वहाँ से वामिक नहीं कर पा रहे कोई कंटेंट पोस्ट। तो हमें आपसे शेयर करना है कि मैं हमें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा और वामिक दोनों की तरफ से है, हमें शेयर करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मॉर्निंग में मोनेटाइज हुआ है। मैंने एक दिन पहले लाइक कल ही रिव्यू के लिए डाला था, उसमें लिखा था कि एक महीना लगता है, बट टू माई सरप्राइज सुबह में ही मोनेटाइज हो गया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह एंड टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इतना प्यार दिया हम लोगों को, जिसकी वजह से हमारा चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था, लाइक विद इन 3 मंथ्स हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। थैंक यू सो 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 मच। और ये मेरे और वामिक दोनों की तरफ से है, एंड ऑफकोर्स मिराल की तरफ से भी, बिकॉज आई एम श्योर इंशाल्लाह वन डे शी विल ऑल्सो बी यू नो प्राउड ऑफ अस के हम लोग एज पेरेंट्स इतने प्रोडक्टिव हैं और होना भी चाहिए। थैंक यू सो 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 मच, मतलब मैं कितना भी थैंक यू बोलो इनफ नहीं होगा। एंड बहुत खुशी हो रही है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है ये मोनेटाइजेशन एंड ऑल का प्रोसेस ना, आपको उसके बाद भी बहुत कुछ करना होता है। तो हम सुबह से वही सब देख रहे थे, कर रहे थे, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो वीडियोस देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट वी आर रियली रियली हैप्पी, वी आर रियली हैप्पी, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या। और ये वीडियो देखते देखते बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि 3 मंथ्स में कैसे मोनेटाइज हो गया, क्या किया आपने, क्या ट्रिक्स यूज़ करी, क्या कुछ भी यूज़ नहीं किया है। बस पता है क्या एक चीज़ सीखी है इससे, कि कंसिस्टेंसी इसकी, अगर आप कंसिस्टेंसी से डालते हो एंड आपकी चीज़ जो है वो आपके दिल से आती है, लाइक जो आपको सच में पसंद है, कुछ भी, किसी को टेक्निकल वीडियोस पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिसकी जो नीश है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो भी डालता है, तो वो फिर दिल से आता है ना। तो जो चीज़ दिल से आती है ना, वो लोगों को पसंद आती है। तो बस जो लोग आपके कॉन्टेंट से रिलेट कर पाते हैं, उन्हीं की वजह से आपके चैनल पर व्यूज़ आते हैं। एंड जितना लोग रिलेट करेंगे उतने व्यूज़ आएंगे, जितना आप कॉन्टेंट पोस्ट करोगे उतना आपका चैनल पर एंगेजमेंट बढ़ेगा, उतना ही, क्योंकि कोई भी चीज़ में आप बीच में रुक जाओ तो फिर वो चीज़ ऑफ हो जाती है, या फिर यू नो फिर आपको दोबारा से एक पॉइंट से रीस्टार्ट करना पड़ता है अगर आप ज़्यादा ब्रेक ले लेते हो। तो ब्रेक लेना इज फाइन, लेना चाहिए, बट इतना लंबा ब्रेक नहीं लो किसी भी चीज़ से कि फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, यू नो। तो यूट्यूब पे आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे ना, उतना जल्दी ही आपका चैनल मोनेटाइज। तो बस कंसिस्टेंट रहो एंड पोस्ट करते रहो, एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हो, आप रिलेटेबल चीज़ पोस्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ पोस्ट कर रहे हो जो आपके दिल से आ रही है डायरेक्ट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ फेल हो या उसमें यू नो आपको सक्सेस ना मिले। मिलती है लोग ने भी ना, बस ये चीज़ नहीं सोची मोनेटाइज होगा, कब होगा, जब होगा होगा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। जब तक हमें यू नो हम लोग को मज़ा आने लगा था कंटेंट क्रिएट करने में, हमने स्टार्ट किया, पहला वीडियो से थोड़ी हेजिटेशन थी, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, उसके बाद ही हमारा रूटीन बन गया कि अगर हम वीडियो नहीं डालते थे ना तो हमें लगता था कुछ खाली खाली है, क्योंकि ये चीज़ करना हमें सच में पसंद है, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप नहीं करते हो ना तो आपको खाली फील होता है। इसलिए हम डालते गए, चीज़ें करते गए, नई नई वीडियोज़ बनाते गए, जैसा हमें समझ आता था, जो आता था वो हम करते गए, तो हो गया मोनेटाइज चैनल। ऑल्सो जिसको नहीं पता है मोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो मोनेटाइजेशन के लिए यू नीड 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स।
अगर आपके 4000 वॉच आवर्स नहीं है तो एक चीज़ नई आई है कि आपकी जो रील्स हैं उस पे, सॉरी रील्स कह रही हूँ, आपकी जो शॉर्ट्स हैं उस पे 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, या तो 10 मिलियन व्यूज़ और 1000 सब्सक्राइबर्स, या फिर 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स। तो हमारे केस में हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स हो गया था, उसी वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है। हमारे शॉर्ट्स पे उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए जितने रिक्वायर्ड थे। लोगों का यूजुअली वॉच आवर्स नहीं हो पाते हैं, शॉर्ट्स पे व्यूज़ आ जाते हैं, बट हमारे साथ उल्टा हुआ है। और हमारे चैनल पे भी ना वॉच आवर्स पहले कंप्लीट हो गए थे एंड सब्सक्राइबर्स बाद में आए हैं, तो सब्सक्राइबर्स की वजह से हमारा जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस था वो रुका हुआ था, बट थैंकफुली आ गए वो भी एंड वी आर रियली 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 हैप्पी, रियली हैप्पी। अब मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कुछ कहने के लिए, तो आप लोग तो इमोशंस को समझ ही रहे होंगे एंड आई रियली विश कि वामिक मेरे साथ होते इस टाइम पे, बट कोई नहीं, जो भी है वी बोथ आर हैप्पी कि हमारी मेहनत रंग लाई है एंड इंशाल्लाह सून वी विल बी टुगेदर। तो हम साथ में और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, जो जो लोग वामिक को मिस कर रहे हैं हम लोग जल्दी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब साथ में होंगे तो और अच्छा कंटेंट बनाएंगे एंड आपको और एंटरटेन करेंगे। एंड तब तक के लिए ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मेकअप उतर चुका है गाइस और ये मैंने मिराल के वेट वाइप से पोछा है, तो मेरे वेट वाइप से ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है मिराल के बेबी वाइप से, जो कि सारा मेकअप उन्होंने निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन की एक एक बूंद आ गई है इसके अंदर, कुछ नहीं है मेरे फेस पे, अब एकदम क्लीन फेस। बस मैंने लिपस्टिक छोड़ दिए जो कि वैसे भी जा चुकी है क्योंकि मैंने खाना खा लिया था एंड मैं अपने लिप्स भी खाती रहती हूँ और बाकी कुछ नहीं है। एंड ये बेबी वाइप्स बहुत अच्छे हैं, हिमालय की बेबी वाइप्स हैं जो मैंने यूज़ करी है, तो मुझे लगता है अब मैं इन्हीं में इन्वेस्ट करूँगी। यहाँ पे हो गया नेक्स्ट डे एंड ये हो रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी और अम्मा बना रही थी बथुए के पराठे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठंड में बहुत अच्छे लगते हैं। एंड नेक्स्ट मैं कर रही थी अपने मेकअप की प्रिपरेशन, लाइक मैंने पूरी तैयारी करके रख दी थी क्योंकि मेरी क्लाइंट आने वाली थी अपना मेकअप कराने के लिए, तो सब कुछ मैसी ना हो इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रख ली थी। और ये मेरा जुगाड़, क्योंकि मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई थी तो मैंने ये बड़ा सा बल्ब लगाया था, इससे बहुत अच्छी रोशनी हो रही थी। अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ नाश्ता क्योंकि हो गया ऑलमोस्ट 12-15 मिनट रह गए एंड 12 बजे मेरी क्लाइंट आने वाली है टू गेट हर मेकअप डन, तो बस उसी के लिए मुझे भी जाना है। सारी तैयारी मैंने करके रख ली थी पहले से, इसीलिए आई वोक अप रियली अर्ली टुडे बिकॉज पहले उनको एक मंकी है जो बहुत दिन से हम लोग के घर की छत पे है, 4 दिन हो गए लग रहा है इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे रोटी रखी थी भाभी ने वो खा रहा है। मैं पी रही हूँ चाय एंड हमने बंदर को ढूंढने की कोशिश करी बट बंदर नहीं मिला, पप्पा उसके लिए लेके आए थे मूँगफली, तो हमने अब यहाँ पे रोटी और मूँगफली डाली है। वो वापस यहीं आएगा क्योंकि वो यहीं पे है 4-5 दिन से, तो अब आएगा तो खाएगा, बट अभी तो दिख नहीं रहा, पूरे जगह ढूंढ लिया बट कहीं तो भी नहीं है। अब हम खाएंगे शीरमाल जो कि मेरा ये लाई है बरेली से, जो कह रही है मेरा मत लेना, दिख ही नहीं रही, पीछे से आप ब्लर आ रही हैं, इसमें सिर्फ शीरमाल दिख रहा है लेकिन आपके एक्शन दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। क्या आप जानना चाहते हैं इस कैमरे के पीछे कौन है, तो गैस करके बताइए कौन है माँ, तुम गैस करके बताओ उस कैमरे के पीछे। बच्चों ने भांडा फोड़ दिया है। ये हो गई नेक्स्ट डे की सुबह एंड ये मंकी को हमने खाना डाला था तो ये फिर से आ गया था, लेटा हुआ था ये, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ये उठ के बैठ गया एकदम आवाज़ से दरवाजे की। आराम से खा रहा है बिल्कुल। मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, तो मैंने बनाए हैं ये बहुत ही टेस्टी आलू के सैंडविच जो मैं सबसे अच्छे बनाती हूँ, मैं ये खाऊँगी अंदर, उसके बाद देखते हैं मैं क्या करती हूँ। उसके बाद मैं सो गई थी, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, फिर मैं उठी एंड मैंने खाना खाया एंड देन ये हो गया नेक्स्ट डे। हम मिराल को डॉक्टर के पास लेके गए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लेके क्यों गए थे, उसको अर्जेंटली जाना पड़ा था।
ऐसे हुआ कि सुबह सुबह जब मैं मिराल को नहा रही थी तो मैंने देखा कि मिराल के हाथ पे थोड़ा सा मतलब काफ़ी बड़ा सा एक बॉयल जैसा था, तो पस भी दिख रही थी उसमें, तो मैं एकदम से डर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होता। वैसे अम्मा मुझे ऑलरेडी बता रही थी कि ये वैक्सीन का रिएक्शन हो सकता है, जो होता है यूजुअली कुछ दिन के बाद, लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ चले गए थे तो उन्होंने बोला कि जो BCG वैक्सीन जो लगती है, तो BCG वैक्सीन का ये रिएक्शन है जो कि कुछ दिन के बाद आता है, बट ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इस पर कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि वो जगह दबे नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वरना एज अ न्यू मॉम मैं तो डरी गई थी, पता नहीं क्या हो गया। हम लोग जल्दी जल्दी चले गए सुबह में डॉक्टर के एकदम से, तो बस हम लोग फिर अभी वापस आए हैं, कुछ काम भी था रास्ते में तो वो सब किया। एंड मिराल जो है फर्स्ट बार ऐसे गई थी मार्केट एरिया में साथ में हम लोग के, और काफ़ी थक गई हूँ मैं भी। और यहाँ पे मौसम भी बहुत चेंज हो गया है अचानक से, ना ऐसे गर्मी गर्मी जैसा हो गया, तो सिर्फ शॉल की ज़रूरत पड़ी, ऐसे कुछ स्वेटर वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ी। मिराल पहली बार हम लोग के साथ मार्केट गई थी, बट शुक्र है उन्होंने परेशान नहीं किया बिल्कुल भी, वो सोती ही रही। एंड हम लोग फिर पापा के क्लिनिक पे भी गए थे, तो मिराल ने पूरे टाइम काफ़ी टाइम लगा, लाइक हम लोगों को आई थिंक 2 से 3 घंटे तो लगे, लेकिन मिराल ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, सोती रही, उठी भी तो कुछ नहीं किया। यही डर लगता है जब बेबी आपके साथ होता है, तो हम पूरी तैयारी से ही करते हैं। कर रही है और हवा भी चल रही है, बट अब ऐसा मौसम नहीं रहा कि आप ज़्यादा धूप में बैठ पाओ, सिर्फ 5-10 मिनट अच्छा लगता है बैठने में, उसके बाद गर्मी लगने लगती है। ये पिस रही है लहसुन की चटनी जो मेरी फेवरेट है, एंड हमारे यहाँ ये अभी भी ऐसे ही पीसी जाती है, कोई भी चटनी इसी पे पीसते हैं क्योंकि मिक्सर में वो मज़ा नहीं आता यार। सुबह में ऐसे जल्दी जल्दी चले गए तो कुछ खाया भी नहीं था, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। बाद में सॉरी मेरा गला ही ठीक नहीं होके दे रहा है, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, लेकिन हमारी जो शादी की वीडियो है जो सबसे ज़्यादा हमारे चैनल पे जिस पे व्यूज़ है, आई थिंक अब 60,000 के अराउंड व्यूज़ हो गए उस पे, तो वो मोनेटाइज ही नहीं हुई है। रीज़न है कि उसमें सारे ये बॉलीवुड के बहुत सारे गाने पड़े हुए थे, तो हमने डिस्प्यूट करके सॉल्व करने की भी कोशिश करी कि हमने फेयर यूज़ किया है, पता नहीं फेयर यूज़ पॉलिसी क्या है यूट्यूब की, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। तो इन शॉर्ट इसीलिए हमें बाकी की वीडियोस भी जो थी हमने उसको कुछ एडिट वेडिट करके कोशिश करी थी, जो मेरी मांझा वाली वीडियो थी वो हमें रिमूव करनी पड़ी, क्योंकि एडिटिंग में उसमें गड़बड़ हो गई, फिर वो अच्छी नहीं लग रही थी, जो जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब हम उसको दोबारा डालेंगे। एंड बाकी जो शादी की वीडियो है तो उससे कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मोनेटाइज ही नहीं हुई है और डिस्प्यूट भी नहीं करके कुछ फ़ायदा हुआ। मतलब ये है कि जब आप सेम चीज़ इंस्टा पे यूज़ कर सकते हो, रील्स में आप ऑडियो यूज़ करते हो, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो यूट्यूब पे ये चीज़ क्यों है कि अगर आप कोई मूवी का गाना या कुछ यूज़ करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा एंड आपकी सारी अर्निंग जो है वो उन्हें चली जाएगी, तो हमारा उस पर 0 अर्निंग है, जबकि वो हमारी सबसे ज़्यादा देखी हुई वीडियो है अभी तक पूरे चैनल पर, सबसे ज़्यादा वही वीडियो देखी गई है। एंड ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनफेयर लगती है, क्योंकि जो चीज़ आप एक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, टिकटॉक था उस पर भी आप गाने यूज़ करके वीडियो डालते थे, तो वो क्रिएटिविटी आपका क्रिएटिव कंटेंट है। अगर सेम चीज़ आप यूट्यूब पे कर देते हो तो डिस्प्यूट रेस करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मतलब उस पर यही रिप्लाई आया कि दे स्टिल थिंक दैट द क्लेम इज़ वैलिड एंड जो सारी उससे अर्निंग हो रही है वो उन्हीं को जाएगी, तो आई डोंट नो। और जो पीछे से आवाज़ आ रही है प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर, क्योंकि ऐसी आवाज़ें आती मैं फिर से दोपहर में सो गई थी, फिर मैंने शाम में खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने दही बड़े खाए जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड बस ये व्लॉग आज का यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।